यूपी के जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा नगरी हर हर गंगे के उद्घोष से गूंज उठी। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तीर्थ नगरी गंगा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बुधवार शाम से ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया था। बृहस्पतिवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का भारी सैलाब गंगा तट पर उमड़ पड़ा। हर हर गंगे, जय मां गंगे के उद्घोष के साथ भक्तों ने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री व वस्तुओं का दान किया। तीर्थ नगरी का घंटाघर घाट, आरती स्थल घाट, 84 घंटे वाला घाट और PWD घाट आदि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं नेशनल हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे श्रद्धालुओं व हाईवे से निकल रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर पुलिस ने गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। संदिग्ध लोगों पर पुलिस की पैनी निगाह थी। गहरे पानी में श्रद्धालु न जाए, इसको लेकर उन्हें जागरूक किया जा रहा था। क्या नाम है आपका? सत्यवती शर्मा। कहाँ से आए? नोएडा से। तो आज क्या पर्व है? आज क्या पर्व? आज बहुत बुद्ध पूर्णमासी है, बहुत महत्व है इसका नहाने का। बैसाख की पूर्णमासी है। तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आपको नजर आ रहे हैं? बहुत बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। तो सुरक्षा की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं? बहुत बढ़िया, अच्छी। तो कितने वर्षों से आप ब्रजघाट आ रहे हैं? बहुत सालों से, 30-40 साल से आ रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता शर्मा है, गांव निठारी, यूपी से आए हैं हम। और यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम स्नान करने के लिए आए, गंगा स्नान करने के लिए। तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर आपको नजर आ रही है? बहुत भीड़ है यहाँ पर। आज के दिन मुझे लग रहा है काफी श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, पर व्यवस्था ठीक है।